नमस्कार साथियों, एग्जामपथ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर के सैलरी को, वो भी डिटेल में कि उसे ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है, वाई सिटी में क्या सैलरी है, जेड सिटी में क्या सैलरी है। बिहार सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये पे लेवल सिक्स का पोस्ट है, जो कि 4200 ग्रेड पे का होता है। इसकी बेसिक पे 35,400 होता है। किसी भी पोस्ट की सैलरी उसके बेसिक पे ही डिसाइड होता है। इसका बेसिक पे 35,400 है। अभी का जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो 17% है, तो उसके अकॉर्डिंग 35,400 का 17% 6,018 हो जाता है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है। जेड सिटी के लिए अभी 8% दिया जाता है, वाइट सिटी के लिए 16% दिया जाता है, और एक सिटी के लिए 24% दिया जाता है। क्योंकि बिहार में कोई एक सिटी है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिटी नहीं लिया है। 8% आपके बेसिक का 2832 हो गया, 16% 5664 हो गया। टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 1800 दिया जाता है। डीए ऑन टीपीए यानी कि महंगाई भत्ता जो होता है वो टीपीए पे, वो 17% 1800 का 306 हो गया। मेडिकल अलाउंस 1000 हो गया। राशन मनी अलाउंस 3000 हो गया। यूनिफॉर्म अलाउंस 900 रुपया हो गया। टोटल मिला के वाई सिटी के लिए जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है वो 54,088 बनता है, और जेड सिटी के लिए जो आपका सैलरी बनता है वो 51,256 बनता है। लेकिन इतने रुपए दिए नहीं जाते आपको, इसमें कुछ डिडक्शन होता है। जो एनपीएस के तौर पे जो डिडक्शन होता है वो होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक यहाँ पे 35,400 है और डीए 6,018 है। इस प्रकार 4,142 रुपया आपका डिडक्शन एनपीएस के तौर पे कर लिया जाता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे एक दो डिडक्शन और होते हैं। इसके अलावा मेडिकल वगैरह के लिए कुछ डिडक्शन किया जाता है। इस प्रकार जो ट्रेनिंग के दौरान आपका सैलरी बनेगा वो 41,216 रुपया बनता है, और आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका सैलरी बनेगा वाई सिटी में यदि आप हैं तो 48,800 रुपया बनेगा, और यदि जेड सिटी में है तो 46,100 अप्रॉक्स। मतलब इससे थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने जो भी डाटा लिया है अपने एक फ्रेंड से पूछ के लिया है जो अभी बिहार सब इंस्पेक्टर में कार्यरत है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।